पाखी का सच जानने के बाद क्या करेगा वनराज। हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्म बीट। बात करें स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा की, तो आपको बता दें भाई, सीरियल का आने वाला ट्रैक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे किस तरह पाखी का सच जहां पूरे परिवार के सामने आ गया है, अब वनराज के सामने भी सारी सच्चाई आ जाएगी। जी हां, और ये और कोई नहीं बल्कि काव्या बता देगी वनराज को सारा सच। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए बताते हैं और क्या क्या होने वाला है। पर दोस्तों, जहां आप ये देख चुके हैं कि किस तरह से पाखी और अधिक का सारा सच सबके सामने आ गया है, जिस तरह से पूरे परिवार ने पाखी और अधिक को होटल के रूम में पकड़ा था, इस बात से पूरा परिवार काफी ज्यादा झटके में है। वहीं पे बात करें अनुपमा की, तो अनुपमा को तो आपने देखा किस तरह से पाखी ने अनुपमा को ही उल्टा सुनाना शुरू कर दिया। उसने बोला कि ये मेरी लाइफ है और मैं 21 साल की हो चुकी हूँ, तो मुझे मेरी लाइफ के हर डिसीजन लेने का फैसला अच्छे से आता है। इसी बात पर अब अनुपमा पाखी से कुछ नहीं कह रही है। लेकिन भाई, जहाँ वनराज के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी, तो वनराज तो पाखी को छोड़ने वाला नहीं है। जैसे ही वनराज को पता चलेगा कि पाखी ने ये सब किया है, यानी पाखी जो है अधिक के साथ होटल में पकड़ी गई है, ये सब सुनकर वनराज के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप देखेंगे कि किस तरह जहां बा जो है वो काफी ज्यादा बीमार हो गई है, जब से बा ने अधिक और पाखी को एक कमरे में साथ देखा है, बा के तो होश ही उड़ गए हैं। और बा को काफी ज्यादा टेंशन होने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। जहां बा की ऐसी हालत देखकर पूरे परिवार को सदमा लगा हुआ है, जहां पूरा परिवार काफी ज्यादा टेंशन में है। तभी वहीं पे वनराज सबसे पूछेगा कि आखिर हुआ क्या है, मुझे कोई बताएगा, जिस पर काव्या सबके सामने ही बता देती है कि पाखी और अधिक को हमने एक साथ रूम में पकड़ा है। इस बात से वनराज काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वनराज तुरंत जाता है पाखी के पास और पाखी से पूछता है कि तोशु ने तो मुझसे ये सब सीखा था, लेकिन तुमने ये सब किससे सीखा? तुम लोग हमेशा हम पर सारी बातें डाल देते हो, लेकिन मुझे बताओ तुमने ये सब आखिर किससे सीखा है? लेकिन वहीं पर पाखी अपने आप की सफाई देते हुए कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन भाई, वनराज को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, यहाँ तक कि किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा। जहाँ बाप बार बार यही कह रही है कि ये बहुत कुछ गलत हुआ है, मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी बीच आप देखेंगे किस तरह वनराज जो है वो अनुपमा से कहेगा कि ये सब हमारे बच्चों ने कब सीख लिया, हमारे बच्चे इतने ज्यादा तेज कैसे हो गए, हमारे बच्चे क्या इतने बड़े हो गए जो वो हमें ही पागल बना रहे हैं, हमें बेवकूफ बनाकर हमारे पीछे ये सब कर रहे हैं। बस इन्हीं बातों पर अनुपमा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अनुपमा भी वहाँ शांत खड़ी है और पूरा परिवार भी वहाँ शांत खड़ा है, लेकिन इन सब के बावजूद वनराज पाखी के साथ क्या करेगा, ये देखना दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दें।